अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स दिस इज़ अब्दुल अब्दुलमोद मीर वेलकम टू अनदर वीडियो आई होप यू आर डूइंग वेल आज की वीडियो मैं क्लास इलेवन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करवाऊंगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए मार्क करवाए जाते हैं ताकि आप पेपर से पहले क्योंकि इस बुक में आपके फोटीन चैप्टर्स गिवन है ठीक है इन फोटीन चैप्टर्स को आप कभी भी कम्प्लीटली जो है वो उनकी प्रैक्टिस या कम्प्लीटली उनको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाने का मकसद ये होता है कि आप उन इंपॉटेंट क्वेश्चंस को करें जब आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपकी होल बुक वहाँ से कवर हो जाएगी सो so, वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में जो आपके पास ये पेज नंबर थ्री पे एग्जांपल नंबर टू है मैंने पहले से मार्क कर रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो तो एग्ज़ाम्पल नंबर टू प्रूफ स्केर रूट ऑफ टू इज एन ए नंबर एक ये प्रूफ आपने करना है और एक नेक्स्ट पेज पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर फोर एग्जाम्पल नंबर थ्री प्रूफ स्केर रूट ऑफ थ्री इज एन एयल नंबर तो यहाँ पर स्केयर रूट ऑफ टू और स्केयर रूट ऑफ थ्री है इसकी जगह कुछ भी आ सकता है फोर फाइव सिक्स ठीक है तो आप अपने बस ये प्रिपेयर कर लेंगे तो इन वो भी हो जाएंगे नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज वन पॉइंट वन एक्सरसाइज वन पॉइंट वन में क्वेश्चन नंबर फोर का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट जस्ट आपने यहाँ से ये सॉल्व करनी है इनकी प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज वन पॉइंट टू एक्सरसाइज वन पॉइंट टू में एक क्वेश्चन नंबर आप थ्री जो है इसको आप प्रिपेयर करें इसकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चन नंबर फोर इसमें आप थर्ड फोर्थ पार्ट कर लें ठीक है इनमें से कोई आप एक पार्ट भी कर लेंगे तो आपके ये सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ये मैट्रिक में भी आपने किए हुए हैं सॉल्व फिर क्वेश्चन नंबर थर्टीन है फोटीन है फोर्टीन का सेकेंड पार्ट दो दफ़ा पेपर में आया इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का सेकेंड और थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कम्प्लीट आपने यहाँ से सॉल्व करना है नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज जाने से पहले, है, है। आपने ये दोनों करनी है बट ये सेकेंड बारी जो है वो दफा पेपर में आ चुकी है नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास वन पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री एसरसाइज में क्वेश्चन नंबर फोर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज वो तो बोथफाप पेपर में आ चुका है फिर क्वेश्चन नंबर आपका है सिक्स का दोनों पार्ट आप कर लें यह आपने पहले टेंथ क्लास में एज इट इज़ ये क्वेश्चन किए हुए हैं आप इन इनमें से एक भी कर लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का फर्स्ट थर्ड सेकेंड एंड फिफ्थ और सेवन पार्ट ये आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लें नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर टू सर्च फंक्शन एंड ग्रुप्स इनमें आप सबसे पहले इनकी ये ग्रुपॉइड और जी जितनी भी इनकी डेफिनेशंस हैं या आपने करनी है फिर आप चले जाएं एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 में आप ऐसा जितनी वो नहीं है इसमें क्वेश्चन नंबर एट में आप लास्ट थ्री पार्ट्स हैं ये कर लें वैसे कोई भी कर लें तो आपका हो जाएगा इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है नाइन में भी आप सेकंड नाइन में भी आप सेकंड और फोर्थ पार्ट कर लें बस यहाँ से एक्सरसाइज आपकी खबर हो जाएगी फिर एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज टू टू में भी आप एक लास्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स कर ले सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसमें क्वेश्चन नंबर आप सिक्स कर लें यूज विन डायग्राम फिर आगे आप चलें तो एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री इसको आप लीव कर दें फिर आगे चलें तो एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर जो है वो मोस्ट इंपॉटेंट एक्सरसाइज है मैंने मार्कर रखी है इसमें क्वेश्चन नंबर वन आपने कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर टू भी कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर थ्री के लास्ट टू पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं फोर का सेकेंड पार्ट एंड फिफ्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज नेक्स्ट चलें आप एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव में चारों पार्ट आपने कर हैं इंपॉर्टेंट हैं ठीक है और ये बहुत ईजी हैं आप कर लेंगे नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 2.6 2.6 में क्वेश्चन नंबर वन के फर्स्ट फोर पार्ट कंप्लीट करने हैं और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है इसमें आपने लास्ट थ्री पार्ट्स जो हैं वो थ्री फोर और फाइव ये आपने यहाँ से सॉल्व करने हैं फिर उसके बाद पेज नंबर सिक्सटी फाइव पर है एग्जांपल नंबर फोर एंड एग्जांपल नंबर फ़ाइव ये आपने लाजमी इसको सॉल्व करने हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है ये पेपर में आए हुए हैं पहले इंपॉर्टेंट है बहुत नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज टू पॉइंट सेवन इसको भी आप लीव कर दें फिर पेज नंबर सेवेंटी के ऊपर ग्रुप्स की डेफिनेशन है ग्रुप वाइड है ये आपने लाजमी इनको देख लेना पे सेमी ग्रुप्स वगैरह ठीक है, है? ये आपने इसको देख लेना है फिर ये मोनाइड है इनमें से अक्सर वो एम सी यूज़ वगैरह भी आपके आते हैं तो ये आपने लाजमी देखने हैं फिर आगे एग्जाम्पल तो नहीं है थ्योरम है पेज नंबर सेवेंटी सेवन पर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जी एस इज़ अ ग्रुप विद ई आइडेंटिटी देन ई इज़ यूनिक ठीक है यह आपने थ्योरम लाजमी करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और नेक्स्ट पेज पर पे जो सेवेंटी एट पेज है एक्सरसाइज टू पॉइंट एट से पहले थ्योरम है इफ़ जी एस टेर इज़ अ ग्रुप एन ए बिलोंग्स टू जी एंड देर इज़ अ यूनिक इनवर्स ऑफ ए इन जी यह आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी आपने ये दोनों थ्योरम ला, आपने लाजमी करने हैं फिर आपके पास जो एक्सरसाइज टू पॉइंट एट है एक्सरसाइज टू पॉइंट एट में आप आ जाएं जो लास्ट पार्ट्स हैं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इनमें से आप रेंडमली कोई भी सॉल्व कर लें आपकी यहाँ से ये एक्सरसाइज टू पॉइंट एट भी हो जाएगी चैप्टर नंबर टू यहाँ एंड हुआ नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर थ्री मैटरसिज एंड डिटर्मिनेन्ट्स एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन में क्वेश्चन नंबर टू एक आपने करना है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर पेज नंबर नाइनटी सिक्स एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन में क्वेश्चन नंबर एट नाइन थर्टी फोर्टीन फोटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लाजमी आपने करना है आगे चलते हैं एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू में क्वेश्चन नंबर सिक्स से आप स्टार्ट करेंगे सिक्स के तीनों पार्ट करने हैं फिर क्वेश्चन नंबर आपने करना है एट एंड क्वेश्चन नंबर नाइन के फर्स्ट पार्ट आप बस कर लें तो ये हो जाएगा आगे चलते हैं एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री की तरफ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री में जो जो एग्ज़ाम्पल्बर फोर है इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंग्ज़ाम्पल बहुत दफ़ा पेपर में आ चुकी है और फिर उसके बाद पेज नंबर वन जीरो एट पर एग्ज़ाम्पल नंबर फाइव है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है यह आपने लाजमी प्रिपेर करनी है फिर आगे चलें तो एक्सरसाइज है हमारे पास थ्री पॉइंट थ्री एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री में क्वेश्चन नंबर वन के ला फोर्थ और सिक्स पार्ट दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्वेश्चन नंबर टू विदाउट एक्सपेंशन ये तीनों आपने लाजमी करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थ्री भी आपने फर्स्ट थर्ड लाजमी करना है थर्ड वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत दफा पेपर में आया है फिर उसके बाद इसका फोर फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन जितने भी पार्ट्स हैं ये सब के सब आपने लाजमी करने हैं और ये इनमें से कोई एक लाजमी पेपर में आता है क्वेश्चन नंबर फोर का सेकेंड पार्ट आपने करना है और क्वेश्चन नंबर फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें वन और थर्ड पार्ट आपने लाजमी सॉल्व करने फिर आगे इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं फोर फिफ्थ सिक्स सेवन और नाइन पार्ट इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी बहुत दफ़ा पेपर में आया और क्वेश्चन नंबर एट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है तो ये जिन पर मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं ये तो आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और बाकी जितने भी क्वेश्चन जिनको मैंने मार्क किया है वो आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करनी है फिर है पेज नंबर वन फोटीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी पेपर में आ चुका है आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फोर में क्वेश्चन नंबर टू फर्स्ट और सेकंड पार्ट करना है सीमेट्रिक और स्क्यू उमेट्रिक ये भी आपने मैट्रिक में किए हुए हैं फिर क्वेश्चन नंबर फोर है क्वेश्चन नंबर फाइव है क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन ये हारमिशियन स्क्यू हारमिशन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनमें से एक पार्ट आता है फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवन है एट है नाइन नाइन का थर्ड पार्ट ये आपने सॉल्व करना है और ये जो रैंक है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत बुद्धवा पेपर में आ चुका है आगे चलते हैं एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव की तरफ अब एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइफ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की इसमें जो क्वेश्चन नंबर वन है इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है ये दोनों पार्ट आपने लाजमी करने और क्वेश्चन नंबर सिक्स भी इसमें से कोई क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है जो, जो मैंने मार्क करवाए हैं वो लाजमी आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस जरूर करनी है यहाँ पर चैप्टर नंबर थ्री आपका एंड हुआ नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर फोर इक्वेशंस एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन फोर पॉइंट वन में क्वेश्चन नंबर एट आप इसको मार्क कर लें फिर नेक्स्ट है आपके पास इसका जो सेवनटीन से ऑनवर्ड है एटीन नाइनटीन ये तीनों आपने लाजमी यहाँ से प्रैक्टिस करने हैं अब एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट टू में ये जितने भी एक्सपेरेंशियल फॉर्म में आपको गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर टू इसमें कर लें क्वेश्चन नंबर फाइव कर लें फिर इसका टेंथ पार्ट एक कर लें फिफ्टीन सिक्सटीन फोटीन सेवनटीन एंड ट्वेंटी ये चार पार्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ट्वेंटी भी ठीक है जिनको मैंने मार्क करवाया है आपने एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज़ फोर पॉइंट थ्री की तरफ़ फोर पॉइंट थ्री से पहले आप ये एग्ज़ाम्पल नंबर थ्री है रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है यह आपने एक लाजमी एग्जाम्पल नंबर थ्री करनी है अब एक्सरसाइज 4.3 4.3 में क्वेश्चन नंबर टू सिक्स और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को आप मार्क कर लें नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ अब एक्सरसाइज 4.4 4.4 में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड सॉरी थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है फिर क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकेंड और थर्ड पार्ट आपने करना है फोर फाइव सिक्स ये पार्ट आपने करना है और ये आपने आपको आते भी हैं आपने मेट्रिक uh, में ये किए थे बहुत ईजी हैं नेक्स्ट चलते हैं फोर की तरफ एक्सरसाइज फोर पॉइंट फाइव में क्वेश्चन नंबर फाइव एट एंड नाइन करने हैं आपने और नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर टेन फोटीन एंड सिक्सटीन यहाँ से ये आपने पार्ट्स करने हैं नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज फोर पॉइंट सिक्स की तरफ एक्सरसाइज फोर पॉइंट सिक्स में क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ और सिक्स पार्ट करना है आपने और सिक्स पार्ट, पार्ट बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री के लास्ट टू पार्ट्स करने हैं फोर फाइव एंड सिक्स और लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर एट और नाइन है ये दोनों आपने लाजमी प्रैक्टिस करने, है। तो करने, है। तो तो करने हैं नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज फोर पॉइंट सेवन की तरफ आप एक्सरसाइज फोर पॉइंट सेवन फोर पॉइंट सेवन में क्वेश्चन नंबर वन के लास्ट टू पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर फाइव आपने करना ये इंपॉर्टेंट है फिर आपने क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन और एट ये तीनों लाजमी प्रैक्टिस करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज फोर पॉइंट एट की तरफ फोर पॉइंट एट में क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स एंड टेन है ये आपने प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट आपके पास जो है पेज नंबर वन सेवेंटी वन पे एग्जाम्पल नंबर थ्री है सॉल्व द इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में आ चुकी है आपने ये प्रैक्टिस करनी है आगे चलते हैं एक्सरसाइज है फोर पॉइंट नाइन फोर पॉइंट नाइन में क्वेश्चन नंबर फाइव नाइन एंड टेन यहाँ से ये कर लें तो इनशाला एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगी नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज फोर पॉइंट टेन एक्सरसाइज फोर पॉइंट टेन में आप ये प्रॉब्लम्स हैं इनमें आप एक क्वेश्चन नंबर फोर कर लें क्वेश्चन नंबर वन कर लें बस यहाँ से ही यह कर लेंगे तो इन श्ला फोर पॉइंट टेन भी कवर हो जाएगी तो ये चैप्टर नंबर फोर आपका कंप्लीट हुआ नेक्स्ट चैप्टर नंबर फाइव है पार्शल फ्रैक्शन ये भी आप टेंथ क्लास में कर चुके हैं बहुत ईजी हैं इनमें से भी आपने बस दो 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 क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में से मार्क करवाऊँगा वॉक कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज 5.1 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर सेवन है नाइन टेन और इलेवन जस्ट आपने यहाँ से ये यह सॉल्व करने हैं तो ये एक्सरसाइज 5.1 आपकी वन यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगी फिर 5.2 में क्वेश्चन नंबर टू थ्री टेन और इलेवन एंड ट्वेल्व ये आपने यहाँ से सॉल्व करने हैं नेक्स्ट है फाइव नेक्स पॉइंट में से भी फाइव सिक्स नाइन एंड टेन कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज भी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी एंड नेक्स्ट है हमारे पास फाइव पॉइंट फोर फाइव पॉइंट फोर में फर्स्ट और फोर्थ पार्ट आप कर लें तो ये एक्सरसाइज भी यहाँ से कम्प्लीट हो जाएगी तो ये चैप्टर नंबर फाइव जो है वो बहुत ईजी था यहाँ से ये आपका चैप्टर नंबर फाइव भी कवर हुआ नेक्स्ट चैप्टर नंबर सिक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस कंप्लीट बुक का सिक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर नंबर सिक्स में आपने क्या क्या करना है चैप्टर नंबर सिक्स में सबसे पहले आपके पास है सिक्स पॉइंट टू सिक्स पॉइंट वन सॉरी सिक्स पॉइंट वन में ये जो जितने भी पॉइंट टू थ्री क्वेश्चन हैं ये सब बेसिक्स हैं ठीक है, है? इनमें से अगर आए भी तो एम आ सकता है वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन आपका इसमें से कोई नहीं बन सकता इसको लीव कर देते हैं सिक्स पॉइंट टू पर चलते हैं सिक्स पॉइंट टू में क्वेश्चन नंबर वन का एक सेक्ट थर्ड पार्ट करना है आपने क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर सिक्स से ऑनवर्ड सेवन एट फिर एलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोटीन आपने करना है ये इंपॉर्टेंट है फिर आपके पास पेज नंबर वन नाइनटी फाइव से थ्री से पहले एग्जाम्पल है एग्ज़ाम्पल नंबर वन ये आपने लाजमी सॉल्व करनी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नेक्स्ट चलें एक्सरसाइज 6.3 पे 6.3 में क्वेश्चन नंबर टू फोर सेवन एंड एट आपने यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर नेक्स्ट सिक्स पॉइंट में क्वेश्चन नंबर वन करना है क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड पार्ट आपने करना है और सिक्स सेवन पार्ट करना है क्वेश्चन नंबर थ्री के फर्स्ट टू पार्ट्स दोनों सॉल्व करने हैं और सिक्स सेवन एट ये तीनों आपने यहाँ से प्रैक्टिस करने हैं नेक्स्ट इसके चैप क्वेश्चन नंबर टेन है टेन से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं एटीन तक ये सारे आपने एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं इसको सॉल्व करने फिर सिक्स पॉइंट फाइव है प्रॉब्लम्स हैं इसको आप लीव कर दें एक्सरसाइज़ को नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट सिक्स है सिक्स पॉइंट सिक्स में क्वेश्चन नंबर टू एक ये आपने प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन नंबर फाइव से ऑनवर्ड जितने भी हैं एट को छोड़ कर टेन और एलेवन को छोड़ कर बाकी सारे आपने यहाँ से प्रैक्टिस करने हैं फिर नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स पॉइंट सेवन में क्वेश्चन नंबर फोर से ऑनवर्ड जितने भी हैं क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये आपने यहाँ से प्रैक्टिस करने हैं तो ये एक्सरसाइज भी यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी और नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स पॉइंट एट सिक्स पॉइंट एट में आपने क्वेश्चन नंबर थ्री के दोनों पार्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर सेवन एट एंड नाइन ये आपने करने हैं और उसके बाद ट्वेल्व थर्टीन एंड फोटीन ये तीनों आपने ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं आगे चलें तो एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट नाइन अगेन प्रॉब्लम्स हैं इसको आप छोड़ दें लीव कर दें फिर आगे चलें तो आपके पास एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टेन जिसमें क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकेंड पार्ट आपने प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपने प्रैक्टिस करना है और सेवनटीन एंड एटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज आगे चलें एक्सरसाइज है सिक्स पॉइंट एलेवन सिक्स पॉइंट इलेवन में क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपने करने हैं सिक्सटीन के दोनों पॉइंट करने हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर सिक्स आपका कंप्लीट हुआ नेक्स्ट चैप्टर नंबर सेवन है परमोटेशन कॉम्बीशन एंड प्रोबेबिलिटी इसमें जो एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन है बेसिक्स बेसिक एक्सरसाइज है तो इसलिए इसको हम लीव कर देते हैं इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता इसमें एम सी क्यूज अगर आ जाएँ तो आ सकते हैं अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आ सकता सेवन पॉइंट टू में क्वेश्चन नंबर टू से ऑनवर्ड जितने भी हैं टू से फाइव तक और क्वेश्चन नंबर सेवन ये आपने सॉल्व करने हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है सेवन पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट थ्री में एक क्वेश्चन नंबर वन आपने करना है जस्ट ये यह यहाँ से कर लें तो आपकी एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री भी ऐसा जितनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अच्छा नेक्स्ट आपने ये जो प्रूफ है ये लाजमी आपने तैयार करके जाना है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये दूसरा प्रूफ है एग्जाम्पल नंबर थ्री प्रूफ दैट ये आपने लाजमी प्रूफ जो है वो इसकी प्रैक्टिस करके जानी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रूफ ये आ सकता है पेपर में आपके फिर आपके पास एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फोर है इसमें आप क्वेश्चन नंबर टू के तीनों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर थ्री के दोनों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड पार्ट फाइव एंड एट एंड टेन ये आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लें तो ये एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फोर भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फाइव जिसमें आप फोर और फाइव एक पार्ट कर लें तो ये एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फाइव यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सेवन पॉइंट सिक्स जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है इसको मैं लीव कर देता हूँ फिर एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सेवन जिसमें फोर फाइव सिक्स जस्ट आप ये कर लें आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज सेवन पॉइंट एट जो कि चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ये आप आप प्रैक्टिस कर लें तो ये एक्सरसाइज यहाँ से कवर हो जाएगी नेक्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थेरम्स इसमें आप एक्सरसाइज एट पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर वन एक कर लें और नेक्स्ट एक ट्वेंटी बल्कि वन से लेकर ना ट्वेंटी तक जितने भी आप रेंडमली आप इनमें से कर सकते हैं वो आप कर लें बीच बीच में से दो चार पाँच क्वेश्चन कर लें तो आपकी एक्सरसाइज एट पॉइंट वन यहाँ से कवर हो जाएगी नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज एट पॉइंट टू एक्सरसाइज एट पॉइंट टू में क्वेश्चन नंबर एक सिक्स सेवन एंड एट ये तीनों आपने प्रैक्टिस करने हैं और नाइन से ऑनवर्ड जितने भी हैं फोटीन तक ये सारे आपने ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं इनमें से कोई एक भी नहीं छोड़ना नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री से पहले आप एग्जांपल नंबर है पेज नंबर टू एटी पर एग्ज़ाम्पल नंबर एट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये आपने एक करनी है और एग्जांपल नंबर नाइन है इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पेज नंबर टू एटी वन पर आपने लाजमी प्रैक्टिस करके जानी है फिर आपके पास एक्सरसाइज है एट पॉइंट थ्री इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री आप एक सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट कर लें क्वेश्चन नंबर फोर के फर्स्ट टू पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं और लास्ट एक पार्ट आपने सॉल्व करने फिर फाइव के दोनों पार्ट्स करने हैं सॉल्व नाइन के जितने पार्ट्स हैं ये सब के सब सॉल्व करने हैं ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग इनमें से एक आता है लाजमी फिर टेन टू थर्टीन जो है इनमें से भी आपने ये चारों के चारों पार्ट है वो इनकी प्रैक्टिस करती है तो ये चैप्टर नंबर एट यहाँ पर आपका छोटा सा था कंप्लीट हुआ चैप्टर एट नंबर एट के बाद फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर नाइन नाइन पर चलते हैं चैप्टर नंबर नाइन में जो एक्सरसाइज है नाइन पॉइंट वन बेसिक्स एक्सरसाइज है इसमें आप क्वेश्चन नंबर एक थ्री कर लें फाइव का एक फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कर लें और एक क्वेश्चन नंबर एट कर लें ठीक है तो यहाँ से एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन आपकी कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज नाइन पॉइंट टू एक्सरसाइज नाइन पॉइंट टू में एज सच कोई इतना यहाँ पर तो नहीं है आगे नेक्स्ट पे है सिक्स सेवन और एट ये आपने बस यहाँ से प्रैक्टिस करनी है ये आप तीनों के तीनों आपने प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ से नाइन पॉइंट टू भी आपकी कवर हो जाएगी नेक्स्ट एक्सरसाइज नाइन पॉइंट थ्री नाइन पॉइंट थ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक सिक्स फोर uh, वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में आया हुआ है बहुत दफ़ा और एक इसमें सेकंड वाला भी आप कर लें और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप कर लें और जो फाइव के लास्ट तीन पार्ट्स हैं ये कर लें आप तो ये कंप्लीट फाइव क्वेश्चन हो जाएगा और सिक्स में भी आप कोई से दो कर लें मैंने लास्ट में तीन मार्क किए हैं आप इन्हीं को बस कर लें तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स और ये एक्सरसाइज नाइन पॉइंट थ्री कवर हो जाएगी ठीक है सो so, नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज नाइन पॉइंट फोर एक्सरसाइज नाइन पॉइंट फोर अगेन बहुत ईजी एक्सरसाइज है आपको बस यहाँ पर फार्मूला याद होने चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्टी और फोटीन आपने करने हैं एटीन से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है ट्वेंटी फोर तक एक्सेप्ट uh, ट्वेंटी तो ये आपने क्वेश्चन लाजमी प्रैक्टिस करने एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है नेक्स्ट है एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ चैप्टर नंबर टेन चैप्टर नंबर टेन में जो क्वेश्चन नंबर है आपका सॉरी एक्सरसाइज़ है टेन पॉइंट वन एक्सरसाइज टेन पॉइंट वन में जो एग्जाम्पल नंबर थ्री है इससे पहले पेज नंबर थ्री ट्वेंटी वन पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेपर में आ चुकी है तो ये आपने एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस करनी है फिर टेन पॉइंट वन में क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट आपने प्रैक्टिस करना है फोर कंप्लीट आपने प्रैक्टिस करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर पार्ट फोर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं फिर नेक्स्ट है पेज नंबर थ्री ट्वेंटी फोर पेज नंबर थ्री ट्वेंटी फोर पर एग्ज़ाम्पल नंबर एक फाइव है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेपर में आ चुकी है दोनों पार्ट करने हैं इसके आपने फिर एग्जाम्पल नंबर सिक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन एग्जाम्पल है पेपर में आ चुकी है यह आपने लाजमी करनी है और नेक्स्ट एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू में क्वेश्चन नंबर वन का सॉरी फोर का क्वेश्चन नंबर फोर का एक लास्ट पार्ट लास्ट नहीं सॉरी सेकेंड लास्ट फोर्थ पार्ट आपने करना है और क्वेश्चन नंबर फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आपने लाजी सॉल्व करना है सेवन का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में आ चुका है एट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है पेपर में आ चुका है इलेवन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में आ चुका है यह आपने लाजमी सब के सब प्रैक्टिस करने हैं और फिर इसके लॉन्ग जो हैं वो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व थर्टीन और फोर्टीन तीनों के तीनों आपने लाजमी इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है इनकी ये लॉन्ग में बहुत दफ़ा आ चुके हैं नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर थ्री थर्टी वन है थ्री थर्टी वन में एक्ज़ाम्पल नंबर थ्री है रिड्यूस कॉज फॉर थीटा टू तो एंड एक्सप्रेशन इन्वाल्विंग ऑनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है और इसमें साइन फॉर थीटा भी आ सकता है वो मेरे ख्याल से आगे क्वेश्चन में था एक्सरसाइज़ में होगा तो एक्सरसाइज टेन पॉइंट थ्री है इसमें क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स सेवन ये कर लें आप थर्टीन कर लें क्वेश्चन नंबर फोरटीन ये जो मैं अभी आपको लास्ट पीछे एग्जाम्पल बता रहा था बिल्कुल वही है वहाँ कोर्स फोर्थ थीटा है यहाँ साइन फोर थीट, है, फोर थीट है। तो ये इंपॉर्टेंट है पेपर में आ चुका है आगे चलते हैं एक्सरसाइज लास्ट है टेन पॉइंट फोर टेन पॉइंट फोर में फोर के दो पार्ट हैं सेकेंड एंड थर्ड और फाइफ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज तो इसके तीनों पार्ट आपने लाजमी सॉल्व करने हैं तो यहाँ चैप्टर नंबर टेन आपका कंप्लीट हुआ नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर इलेवन टेक्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स चैप्टर नंबर इलेवन में आपने पेज नंबर थ्री थर्टी नाइन पर एक एग्ज़ाम्पल है अलेवन पॉइंट वन साइन अप पीरियडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज़ टू पाई तो टू पाई की जगह कुछ भी आ सकता है थ्री फोर पाई तो आप इसको सॉल्व प्रैक्टिस कर लें और इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा एक थ्योरम नंबर टू है ये आपने लाजमी सॉल्व करना यहाँ पाई है लास्ट में आपको टू पाई दिया हुआ था ये दोनों आपने थे लाजमी करने पेज नंबर थ्री फोटी वन पर एक्सरसाइज है एलेवन पॉइंट वन इसमें से आप क्वेश्चन नंबर सिक्स एट और फोटीन फिफ्टीन एंड थर्टीन रैंडमली आप कर सकते हैं इंशाल्लाह ये भी एक्सरसाइज यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज एलेवन पॉइंट टू पर ग्राफ है इसमें आपने ये साइन एक्स का और फोर्थ पार्ट इस टेन एक्स और कॉज एक्स कॉज एक्स बाई टू यह आप ग्राफ्स इसके आपने बस तैयार कर लेने हैं तो इंशाल्लाह शाला यहाँ से ही यह आपका कवर हो जाएगा एलेवन पॉइंट टू में जो क्वेश्चन नंबर थ्री है सॉल्व ग्राफिकली इसमें साइन एक्स इजिकल टू कोज एक्स फर्स्ट और सेकंड ये लाजमी आपने करना है ये पेपर में आ चुका है फिर ट्वेल्व पॉइंट वन पे आ जाएँ चैप्टर नंबर ट्वेल्व है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन ट्वेल्व पॉइंट वन में ये फर्स्ट क्वेश्चन टू जो है ये तो बेसिक्स हैं बल्कि दोनों ही बेसिक्स हैं नेक्स्ट चलते हैं ट्वेल्व पॉइंट टू में ट्वेल्व पॉइंट टू भी देखें पैथाग्रेस थ्योरम और ये भी बेसिक है इसको भी छोड़ दें और ट्वेल्व पॉइंट वन और टू हम लीव कर दें ट्वेल्व पॉइंट थ्री से स्टार्ट करते हैं इसमें ट्वेल्व पॉइंट थ्री में एक क्वेश्चन नंबर फोर आप कर लें और एक यहाँ से नाइन से लेकर थर्टीन तक आपने ये सारे क्वेश्चन करने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ द दिक्कटी मीटर टू बिल्डिंग्स ए एंड बी आर है ये, ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुके हैं तो ये आपने लाजमी नाइन से थर्टीन तक लाजमी प्रैक्टिस करने हैं फिर आगे चलें फिर आगे हमारे पास ट्वेल्व पॉइंट फोर एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन नंबर वन और फिफ्थ पार्ट एक कर लें नेक्स्ट है हमारे पास ट्वेल्व पॉइंट फाइव ट्वेल्व पॉइंट फाइव में एक आप क्वेश्चन नंबर थ्री और फाइव कर लें और क्वेश्चन नंबर नाइन टेन कर लें इलेवन तक फिर ट्वेल्व वाला जो पार्ट है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपने लाजमी देख लेना है नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्वेल्व पॉइंट सिक्स चलते हैं अब एक्सरसाइज 12.6 12.6 में आपके पास एक क्वेश्चन नंबर है सिक्स क्वेश्चन नंबर एट मोस्ट इम्पॉटेंट है पेपर में आ चुका है और बस ये दोनों आप क्वेश्चन नंबर सिक्स और एट यहाँ से कर लें तो 12.6 एक्सरसाइज भी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी नेक्स्ट चलते हैं 12.7 एक्सरसाइज 12.7 में आप एक क्वेश्चन नंबर फोर से ऑनवर्ड सिक्स तक तीनों पार्ट आपने लाजमी करने है और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 12.7 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.8 से पहले एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दुल्ड बे बी सी ओर फोर डेल्टा ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुकी है ये आपने लाजमी सॉल्व करनी है और उसके बाद यहाँ एक और एग्जांपल भी थी बल्कि प्रूफ था पेज नंबर थ्री एटी थ्री पर आपका ये प्रूफ है प्रूफ दैट ये आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है नेक्स्ट चलेंगे एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट एट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इसमें सेकेंड पार्ट एक कर लें वन का क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट आप कर लें दफ़ा पेपर में आ चुका है फोर्थ का थर्ड पार्ट कर लें फिफ्थ के तीनों पार्ट आपने करने हैं और हो सके तो फोर्थ फोर्थ पार्ट करें आप फिर आगे आप चलें तो इसकी सेवन का सेकंड पार्ट कर लें नाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेवन ट्वेल्थ तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और टेन भी हो सके तो कर लें ये सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज़ के तो यहाँ चैप्टर नंबर ट्वेल्व आपका कंप्लीट हुआ नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर थर्टीन सेकेंड लास्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिक्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्स ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन में आप सबसे पहले एक्सरसाइज चलते हैं थ्री पॉइंट वन में सॉरी थर्टीन पॉइंट वन में थर्टीन पॉइंट वन में एक लास्ट थी पार्ट सब कर लें क्वेश्चन नंबर वन के और उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड पार्ट कर लें क्वेश्चन नंबर थ्री के थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट को आप मार्क कर लें यहाँ से ये एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन आपकी कंप्लीट हुई थर्टीन पॉइंट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें आप एक क्वेश्चन नंबर थ्री फाइव नाइन और अलेवन से ऑनवर्ड जितने भी हैं थर्टीन और फिफ्टीन सिक्सटीन को छोड़कर कर बाकी सबके सब इंपॉर्टेंट सब है ये आपने लाजमी करने हैं एटीन पेपर में आ चुका है बहुत दफ़ा तो ये आपने लाजमी करना है तो ये चैप्टर नंबर थर्टीन यहाँ से आपका कम्प्लीट हुआ दो ये एक्सरसाइज थी बहुत ईजी सी नेक्स्ट है चैप्टर नंबर फोटी जिसका नाम है सोलूशन ऑफ़ ट्रिक्नोमेट्रिक इक्वेशनस इसमें एग्ज़ाम्पल नंबर वन है सॉल्व द इक्वेशन साइन एक्स इज़ इक्वल टू वन बाई टू ये आपने करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद आगे चलते हैं फिर उसके बाद एक्सरसाइज फ़ोटीन से पहले आपके पास एग्ज़ाम्पल नंबर फ़ाइव है पेज नंबर वन फोर जीरो सिक्स पे पेज नंबर फोर जीरो सिक्स पे एग्ज़ाम्पल्बर फाइव है सॉल्व द इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में आ चुकी है यह आपने प्रैक्टिस करनी है फिर आगे हमारे पास एक्सरसाइज है फ़ोर्टीन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड और फोर्थ पार्ट है फिर क्वेश्चन नंबर फोर है क्वेश्चन नंबर सेवन है नाइन टेन थर्टीन और फिर ट्वेंटी और नाइनटीन और ट्वेंटी ये लॉन्ग के लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आ चुके हैं तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर फोर्टीन भी कम्प्लीट हुआ ये फुल बुक का गेस था ठीक है इसमें क्योंकि ये गेस इसीलिए लगाया जाता है कि आप पेपर से पहले कभी भी ये कंप्लीट बुक जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते इसलिए कि फोर्टीन चैप्टर इज़ टू मच सो दैट्स वाई हम आपको जितने भी इसमें गेस्ट हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो बताते हैं ताकि आप इनको कर कर पूरी बुक को यहाँ से आप कवर कर सकें सो so ये चैप्टर नंबर वन टू तो फोटीन क्लास एवन के गेस्ट थे इम्पोर्टेंट आई होप कि आप ये करके इन शह यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम एंड मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको आपके इम्तिहान में कामयाबी से हमकिनार फरमाए मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़